हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रिक में। दोस्तों, हमने जो सामान्य विज्ञान के 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, उसका हम आपके सामने पार्ट नंबर 25 लेके आए हैं। इसमें भी हम इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन्स को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1201 ले लेंगे दोस्तों। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं, उन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1202 लेंगे दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो दोस्तों, अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1203। हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो दोस्तों, हरे पौधों में जो पोटेशियम होता है, वह पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, KNO3 उसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1204। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, 1201 नंबर पे भी यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1205। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत क्यों होते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के जो व्यतिकरण की घटना होती है, उसके कारण साबुनी घोल के जो बुलबुले होते हैं, वह रंगीन कलर के प्रतीत होते हैं, अलग अलग कलर उसमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1206 ले लेंगे दोस्तों। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो दोस्तों, कार्बन 12 जो होता है, वह परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1207। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1208। कृषि प्रसार में TNV यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुई थी? तो दोस्तों, यह 1974 से स्टार्ट हुई थी, कृषि प्रसार में ट्रेनिंग एंड विजिट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1209। स्तनधारियों में तिल्ली या पलिया का कार्य होता है? तो दोस्तों, स्तनधारियों में इसका कार्य होता है एक रक्तोत्पादक उतक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1210 ले लेंगे। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है? तो दोस्तों, बर्नौली का जो सिद्धांत है, वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1211। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों, प्रोटीन जो होते हैं, वह एमिनो अम्ल का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1212। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों, DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वह वाटसन और क्रिक की देन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1214। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप ए है, तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो दोस्तों, उनका रक्त ग्रुप भी ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों में माता या पिता में से किसी एक का रक्त ग्रुप आता है। अब दोनों का ही रक्त ग्रुप ए है, तो बच्चों का ऑब्वियसली ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1215। बार किसका मात्रक है? तो दोस्तों, बार जो है, वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1216। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से प्रावर्तित होती है? तो जो रेडियो तरंगे हैं दोस्तों, वो आयनोस्फीयर से प्रावर्तित होती है, या आयन मंडल से प्रावर्तित होती है। ठीक है, हिंदी में आयन मंडल कहते हैं, इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1217। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1218। क्वास्क्योर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है? तो दोस्तों, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण क्वास्क्योर नामक बीमारी हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1219। लोहा यानी कि इसका सूत्र है Fe, पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1220। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों, निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1221।
पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों कार्नेलाइट का सूत्र काफी बार पेपर में पूछा गया, तो यह है KCl MgCl2 6H2O। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1222, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों यह गैस है ऑर्गन। दोस्तों हम यहां पर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वह आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों हर क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और आपका अगर आपने यह सारी सीरीज देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1223, किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू होराइजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया था? तो दोस्तों यह प्लूटो के अध्ययन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1224, यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों यूरेनियम के नाभिक विघटन से सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1225, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें 60-70% CaO की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1226, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो दोस्तों यह लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में जमा होने से हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1227, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम है आपका ओराइजा सेटाइवा। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम से संबंधित भी काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आम का, मटर का, धान का, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1228 है दोस्तों, रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1229, परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस संसाधनिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह है Na24। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1230, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें सोडियम एजाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1231, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो दोस्तों इंजेक्शन देते समय जो प्रयुक्त जल होता है वह आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1232 ले लेंगे दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1233, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो आंख का जो रेटिना होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 1234 लेंगे दोस्तों, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बच्चों में जो ऑस्टियोमलेशिया का रोग होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1235, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानव के आनुवांशिक अध्ययन का जो विज्ञान है उसे कहा जाता है यूजेनिक्स। ठीक है दोस्तों, यह उल्टे में भी पूछ सकता है, मानव के आनुवांशिक अध्ययन का किसमें किया जाता है? तो यह यूजेनिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1236, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें, तो दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 1237 ले लेंगे दोस्तों, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1238, किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो दोस्तों तारे का रंग जो होता है वो तारे के ताप का परिचायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1239, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यह होगी 106। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1240, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों यह करता है वृक्क या किडनी। ठीक है दोस्तों, किडनी का काम है रक्त से गंदगी को, इम्प्योरिटी को छानना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1241, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण या उपापचयन की क्रिया में मॉलिब्डेनम का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1242, मेनिंगोकाकसमिया बीमारी क्या है? तो दोस्तों मस्तिष्क ज्वर को मेनिंगोकाकसमिया बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1243, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, यह माइटोकांड्रिया में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1244, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1245, कृषि मंत्रालय में डेयर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों डेयर का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, तो यह स्थापित हुआ दोस्तों दिसंबर 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1246, आनुवंशिक के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था? तो दोस्तों इन्होंने जो प्रयोग किया था वह मटर के पौधे पर किया था, और मटर का दोस्तों जो वो वैज्ञानिक नाम है वह है पाइसम सेटाइवम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1247, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो दोस्तों यह जिंक का लेप चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1248, कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? तो दोस्तों कैटरेक्ट आंख की बीमारी है, इसे हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1250, जैव विविधता के पितामह जनक कौन है? तो दोस्तों जैव विविधता के या बायोडाइवर्सिटी के पितामह है ईओ विल्सन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स मलेरिया दांत तथा क्षय रोग में कौन से जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों यह सब क्षय रोग के लक्षण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन्स को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सके और आपको नया नया सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।